हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के 100 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की स्टडी करने वाले हैं। देखिए, कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट के गद्यखंड, पदखंड और सहायक वचन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। विनय के पद लिखने वाले कवि हैं सूरदास जी। देवगण के पुराने दीवान थे सुजान सिंह। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है मन, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ से कहते हैं। गीता के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 28। उसके बाद आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबत खालिस्तान से माना जाता है तो 1900। साक्षात्कार गद्य की खालिस्तान विधा है गौण विधा है। माई के बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं तो गुलाब कबली के। रसोईघर खालिस्तान समाज का उदाहरण है तत्पुरुष। दोहा और रोला छंद से मिलकर खालिस्तान छंद बनता है कुंडलियाँ। देखिए, समास, छंद, रस, इन सब पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद रामचरित मानस का प्रमुख छंद चौपाई है सत्य। मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है असत्य। माई के बगिया पहाड़ी ढलान पर है सत्य। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे सत्य। लोकायतन के रचयिता सूरदास हैं असत्य। उसके बाद श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। दो पैर में दुगु समाज है। रामचरितमानस महाकाव्य है। भगिनी निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। देखिए, काव्य की परिभाषा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, इन सब पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद निंदा रस के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। ईश्वर के अनेकों नाम है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए तो ईश्वर के अनेक नाम है। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है तो महाकाव्य में। ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, फूल जैसा। साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए, जाति। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं, सूरदास भक्त हैं किसके, श्री कृष्ण जी के। गेहूँ और गुलाब निबंध में गेहूँ प्रतीक है श्रमिक का। प्राचीन शल्य चिकित्सक का नाम था सुश्रुत जी। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है आस्तिक और विश्वास नहीं करने वाले को कहते हैं नास्तिक। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। उसके बाद रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं केशवदास। कहानी सम्राट खालिस्तान को कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद जी को। युधिष्ठिर की माता का नाम खालिस्तान है कुंती। संधि खालिस्तान प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है आलंबन। उसके बाद करुण रस का स्थायी भाव शोक है सत्य है ये। निराला शब्द में व्यंजन संधि है असत्य। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत जी हैं सत्य। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है सत्य। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे सत्य। उसके बाद गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। बादल को गिरते देखा है नागार्जुन। बेटियाँ पावन दुआएँ हैं अजहर हाशमी। देशभक्ति तत्पुरुष समास पंचवटी खंडकाव्य। उसके बाद कौन स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है तो दीपक। सच्चरित का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए तो सत प्लस चरित और इसमें व्यंजन संधि होगी। उसके बाद स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहा जाता है तो आलंबन उनको हम कहते हैं। उसके बाद मातृभूमि का नाम किसने रखा तो वीर सिंह जी ने। बिहारी ने अपने काव्य में किस भाषा को अपनाया, ब्रजभाषा को। उसके बाद कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है, अवल अमल धवल गिरी पर। बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट दिया रुपया। प्राचीन शल्य चिकित्सक का नाम था सुश्रुत जी। चौराहा में समास है दुग्यु। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरित मानस। उसके बाद नीति काव्य जीवन व्यवहार को खालिस्तान बनाने का आधार है सुगम बनाने को। परीक्षा कहानी के खालिस्तान लेखक हैं प्रेमचंद जी। नर्मदा के उच्च कुंड से थोड़ा सा खालिस्तान चलने पर माई की बगिया है ऊपर चलने पर। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। कामायनी एक खालिस्तान है तो कामायनी एक महाकाव्य है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है सत्य। जिसकी एक हाँ को अंधा कहलाता है असत्य। दीपक अंधकार को मिटाता है सत्य। उसके बाद गेहूँ मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है सत्य।
कबीर ने भारी आडंबरों का समर्थन किया है, असत्य। कवितावली तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। द्वैपायन कृष्ण वेद व्यास जी ने। सुदामा चरित खंड काव्य है। कम जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। निंदारस हरिशंकर परसाई। उसके बाद नेक्स्ट, कौन स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, तो दीपक। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए, जगत प्लस नाथ। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 रस होते हैं। एक अंकी में कितने अंक होते हैं, 1 अंक। चलने से पूर्व बटोई को क्या कर लेना चाहिए, पथ की पहचान कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर के पदों की भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा है। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, गाँव में हुआ है। भग्नि निवेदिता पर लिखे गए संस्मरण के लेखक हैं, प्रभाजिका आत्म प्राणा। भग्नि निवेदिता पर लिखे गए संस्मरण के कौन लेखक हैं, प्रभाजिका आत्म प्राणा। नीहि प्लस चल, निश्चल कौन सी संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का। चौपाई में मात्राएं होती हैं 16। नीति का जीवन व्यवहार को खालिस्तान बनाने का आधार है, सुगम बनाने का। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता खालिस्तान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, असत्य। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, सत्य। निंदक समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, असत्य। गांव का आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत है, सत्य। नदियां आगे चलकर सागर में परिवर्तित हो जाती हैं, सत्य। चिर सजग आँखें उनीदी, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपन जी हैं। बेटियां पावन दुआ हैं, अजर आसमी। विद्यालय स्वर संधि। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार लोक सीमा उल्लंघन। देखिए अलंकारों पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। भग्नि निवेदिता का पूरा नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो मार्गरेट एलिजाबेथ। उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, उपासक। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ है, गाँव में। बिहारी ने अपने काव्य में किस भाषा को अपनाया है, ब्रजभाषा को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।